व्हाट इज अपॉइंटेड आर्मी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। वापस से स्वागत है आपका एक नए गेम प्ले वीडियो के अंदर, जिसमें हम खेलने वाले हैं इंटरनेशनल स्क्रिम्स। और इंटरनेशनल स्क्रिम्स है तो ऑब्वियसली हमारा पिंग इसमें हाई जाने वाला है। वाईफाई पे जहां पर 40 का पिंग आता है, इसमें 200 प्लस जाने वाला है, वो आप मैच के बीच में देख लोगे। एंड इससे पहले गाइस मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यार काफी सारे लोग कहते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में मोस्टली ये चीज हो रखी होती है कि भाई आपका पोको एफ1 लैग कैसे नहीं हो रहा, या फिर आपका पोको एफ1 है ही नहीं। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई अच्छा डिवाइस होता तो मैं ऑब्वियसली मैं खुद चोट मारता उस डिवाइस की, ठीक है। लेकिन अब मेरा पोको एफ1 और लैग पता है क्यों नहीं होता, आप लोग को वीडियो में लगता है वो कि लैग नहीं हो रहा। आप कभी ना अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको बता रखा है, आप सर्च करना वांटेड गेमिंग स्क्रीन रिकॉर्डर, उस रिकॉर्डर से करता हूं ना, तो अगर आपका लैग गेम में हो रहा होगा ना, जहां पर आपका गेम 20 FPS 30 FPS चल रहा होगा, वहां पर भी आपको वो रिकॉर्डर 60 FPS रिकॉर्ड करके दिखाएगा। तो आपकी वीडियो बिल्कुल क्वाइट क्लियर रहेगी जब तक आपका मतलब पूरा फ्रेम ड्रॉप नहीं होता, लाइक पूरा फ्रेम ड्रॉप इन द सेंस पूरा एकदम बंद, जो अटकता है ना बीच में, हल्का शटर मारता है, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो कुछ दिखाएगा ही नहीं। और इस वाले मैच में मेरा इतना ज़्यादा गंदा लैग हो रहा था, लिटरली मेरा डिवाइस 10 FPS पे चल रहा था, लेकिन फिर भी आपको 60 FPS रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो समझ गए होंगे कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस चीज़ को फेस करता हूँ इंटरनेशनल स्क्रीम्स में, जिसका डिवाइस क्लासिक में भी लैग होता है वो कैसे खेल रहा है, आप सब समझ रहे हो कि कैसे मैनेज होगा। बाकी चलो ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन उठाएंगे वो अभी उठाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दिया कि ठीक है मेरा बहुत गंदा लैग होता है जैसे आपका होता है, लेकिन वीडियोज़ में नहीं दिखता। आपको मैंने बता भी दिया कि सर्च करना स्क्रीन रिकॉर्डर, खुद ट्राई कर लेना। अब क्या था कि यहाँ पर एक टीम बैठी थी, एक सोलो बैठा था, आई गेस डुओ था, हाँ मुझे लगा सोलो लेकिन डुओ था, तो यहाँ पर फाइट में हम एंगेज हो जाएंगे दोस्तों, तो जरा देखो कैसे निपटाते हैं इस फाइट को। नहीं होगा वो, नहीं पता खुद का तो नहीं पता, हमें कर देगा। कहाँ पे वे? उधर ही है। नाइस अच्छी। निकले हैं ट्रक। अरे अरे मार के वापस आ जाना। घर पे है क्या? रुक जा। आजा। फटा। मेरे ग्रेनेड से फटा। नहीं नहीं फटा फटा, मेरे ग्रेनेड से फटा। आजा। मैं नहीं डाला नेड। अरे गेट बंद कर दे तेरा। गेट खोल। इजी उठा पहले बे। आज तेरा। चुप। होय। अब पिता क्यों डैमेज दे रहा है ये जोन? ऊपर चल बेचारा, ऊपर चल। इजी, अरे इजी संभाल दूंगा मैं। एक और आ गया। दूसरे को नहीं संभाल। मैं आने। आने दे, आने रुक जा विकास। रन। ओके ओके। मत जा मत जा मत जा। तो दोस्तों उस फाइट में आपने हल्का फुल्का जहाँ पर लैग देखा ना, एक्चुअली वो मेरा गंदे वाला लैग था, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं जो अलग से हम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग FPS को सेट करते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डर की बात छोड़ो, यहाँ पर तो अपना पिंग भी काफ़ी आई था, सर्वर एशियाई था, लेकिन पता नहीं क्यों इंटरनेशनल स्क्रीम्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पिंग आई जा रहा था। 120 150 तो इसका बेसिक पिंग था, इसके अलावा 200 प्लस 250 500 तक जा रहा था हम सबका पिंग। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वाले एरिया में आके होल्ड करते हैं। मुझे आइडिया था कि इस वाले जगह पे सैन मार्टिन की तरफ कहीं बार जोन बन जाता है, तो यहाँ पर मैंने आके अपनी टीम को होल्ड करवाया इस पहाड़ी के ऊपर एक ही कंपाउंड के पास। और एक्चुअली मैं लास्ट तक जोन यहीं पर आने वाला है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब नीचे एक पाकिस्तानी टीम थी जिनके साथ हमारा फाइट चल रहा था। आपको अगर भरोसा ना हो रहा हो कि इंटरनेशनल स्क्रिम्स नहीं है, तो आप किल फील्ड देख सकते हो, आपको हर टीम का वहाँ पर फ्लैग भी दिख जाएगा। और मेरा MIUI 11.0.9 है, बार बार पूछना बंद करो, देखो 12 का अपडेट आ रखा है, मैंने करता नहीं हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो बंदों के हेडशॉट देने के बाद विकास कहता है कि पीछे की तरफ से एक टीम उसके ऊपर रश कर रही है, तो यहाँ पर मैं हल्का फुल्का फायर देता हूँ ताकि वो बंदे इसके ऊपर पूरी तरह से पुश ना करें। लेकिन इसी के साथ क्या होता है कि भाई एक BRD हमारे ऊपर रश कर देती है। एक नॉक का जो BRD वाले को ना। हाँ अब मेरे सामने देखो कवर। मॉली गया
मेरे से पूरा रोटेशन आ रहा है। अबे जल्दी, अरे यार इसको जल्दी क्लियर करना पड़ेगा। चार बंदे, आजा चल आजा, रिल हिल कर रह जा। अरे यार नाइस नाइस, ओपी मेरे को दे दे मेरे सामने। चुप चुप। तो भैया यहाँ पर तो किसी तरीके अपने टीम को संभाल लिया लास्ट में, वन ही वन निकाल के। एक्चुअली वो बंदा काफी लो था लेकिन फ्रैगर और पिकाचू को ले गया, लिटरली ऑसम ब्रो। तो यहाँ पर क्या सीन था, नीचे की तरफ तीन टीम्स थी, एक पाकिस्तानी टीम जो यहाँ पर राइट से स्मोक करके आ रही थी, एक श्रीलंकन टीम जो लेफ्ट से रोटेट करके ऊपर चली गई थी, और एक इंडियन टीम का उन्हीं के साथ फाइट हो गया था लेफ्ट में ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर नीचे सिर्फ एक पाकिस्तानी टीम थी जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं था, तो इनको तो हेडशॉट मार मार के पहले ही टकले फोड़ दिए गए थे। तो अब हमें सिर्फ थोड़ी बहुत स्प्रे वगैरह देकर इनको नॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं नॉक कर रहा हूँ और जो लेफ्ट साइड में इंडियन टीम ने जिसने श्रीलंकन वालों को मारा है वो हमारे सारे किल चुराते जाते हैं, तो इसलिए हमारा डैमेज यहाँ पर 900 प्लस रहेगा, लेकिन अपने किल्स यहाँ पर तीन ही रहने वाले हैं दोस्तों। ये देखो जरा क्या ही मतलब चोर कहीं का भाई, फुल सेट मार मार के, मतलब फुल वाली M4 चिपका चिपका के सबको निपटा दिया। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ पर अपनी किस्मत ही खराब थी, कुछ नहीं कर सकते हम। अब क्या सीन था, यहाँ पर 13 बंदे अलाइव थे छोटे से जोन में और आगे की तरफ था पूरा का पूरा ओपन जोन। अब मैं इस बंदे को देखने आता हूँ लेकिन जितने मैं इस पर स्कोपिंग वगैरह करता हूँ ये बंदा पीछे भाग लेता है, और लिटरली भाई बंदे ने अपना काम कर दिया तो वहाँ से भागे गई। तो अब क्या सीन था, विकास के ऊपर वहाँ लेफ्ट साइड में पूरी टीम चढ़ने वाली है और हमारा काम है कि हमने उसको कवर देना है। लेकिन यहाँ पर सीन क्या होता है कि मेरे को एक्चुअली ना ज़्यादा अमाउंट उठाने की आदत है, ठीक है मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी गलती है, मैं बहुत एमओ के पीछे भागता हूँ। अभी मेरे पास 100 एमओ था लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 5 का एमओ ढूंढने के लिए पीछे भाग रहा था। यहाँ पर अपनी टीम ने दो गलतियाँ करी, फर्स्ट जो मेरी गलती थी 5 का एमओ वाला वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो दूसरी गलती, हमारी टीम के प्लेयर्स 6-6, 7-7, 8-8 स्मोक लेके घूमते हैं बैग में, लेकिन जब ओपन जोन बना तो सबके सब पैनिक हो रखे थे, किसी ने स्मोक ही नहीं किया ओपन में। तो ठीक है फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल खेलना तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी यार स्मोक करते तो यहाँ पर हम एक अच्छी पोजीशन पकड़ सकते थे। तो यहाँ पर मैं पहले 5 का एमओ ढूंढते ऐसे मंडरा रहा होता हूँ और नहीं मिलता तो भाई मैं कहता हूँ चलो यार जोन ही चलते हैं, क्योंकि 7 और 6, 5, 4, 3 हो रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या सीन था, मैंने कहा कि फ्रैगर राइट वालों को संभाल, मैं किसी तरीके जोन पकड़ता हूँ। तो यहाँ पर मैंने याद था मुझे कि पीछे की तरफ एक गाड़ी थी, अब यहाँ पर मैं अकेला ही आगे एक स्मोक फेंक के फटाक से निकलने का ट्राई करूंगा, लेकिन भाई वो गंदा वाला लैग जो मेरा यहाँ पर हुआ था ना, काश वो आपको लोग को वीडियो में दिखता, क्योंकि ये लैग मेरा सबसे ज़्यादा खतरनाक लैग था। अब यहाँ पर आप देखना, आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि मैं इतना नूब कैसे बन गया। अब इसमें जो ये स्कोप एडजस्ट हुआ ना ऊपर हवा से लेके नीचे तक, वो एक्चुअली मैं बंदे के हेड पे ऑन किया था, लेकिन वो इतना लैग हुआ कि पहले मेरा स्कोप ऊपर खुला और वीडियो में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैं एक नंबर का नूबड़ा हूँ। वैसे मैं हूँ नूब, इतना अच्छा खेलने नहीं आता, पर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग बैक की, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, और चाहो तो आकर इंस्टा पे फॉलो कर लेना यार। Might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true.